Very good afternoon to all. In this video lecture, we are going to talk about a letter to God. As you all know that it's the first chapter of First Flight, and First Flight is the book name of NCERT Class 10th English. Class 10th की English की अगर book की बात करें, First Flight नाम से यहाँ पे एक book है और उसमें पहला chapter है a letter to God. And in this video lecture, we are going to discuss 30 MCQs related to this chapter. 30 यहाँ पे क्वेश्चन हम लगभग 30 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. और ये वीडियो स्पेशली जितने भी हमारे साथी जो हैं एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है. और इसके साथ साथ जो क्लास टेंथ में जो भी स्टूडेंट, यानी कि जो भी अभी क्लास टेंथ में स्टडी कर रहे हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस की मदद से वो इस चैप्टर को इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे. और जहाँ पे ज़रूरी होगा एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करूँगा. और इसके बाद स्पेशली अगर बात करें स्टूडेंट्स के लिए, एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो इसमें देखिए, हु रोट अ लेटर टू गॉड, तो पत्र किसने लिखा भगवान को. जैसे कि आपको इस चैप्टर का नाम ही पता है, अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम है, एक पत्र यानी कि भगवान को. तो किसने लिखा ये पत्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, लेंचो. लेंचो ने लिखा था पत्र जो है गॉड को. अब आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स की मदद से. और सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे. यहाँ पे हु वॉज लेंचो, तो लेंचो कौन था, लेंचो कौन था ये पूछा जा रहा है. डॉक्टर, प्रीस्ट, फार्मर, टीचर. तो लेंचो जो थे, अगर लेंचो की बात करें, वो एक फार्मर थे, किसान थे. लेंचो यानी कि एक किसान था बोल सकते हैं. और वही जो है भगवान को पत्र लिखता है. लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ लेटर टू हुम. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, किसने किसको पत्र लिखा. हु रोट, किसने लिखा अ लेटर टू हुम, यानी कि किसने किसको पत्र लिखा. जैसे कि इस चैप्टर में आप पहले से ही जान चुके हैं, पहले क्वेश्चन पे ही, तो पत्र जो लिखा गया था वो गॉड को लिखा गया था. और किसने लिखा था, वो लिखा था लेंचो ने. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड. लेंचो ने जो है पत्र लिखा किसको, गॉड को. लेंचो कौन था, एक फार्मर था. और क्यों लिखा, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड. पूरे चैप्टर को इस तरीके से, जो एमसीक्यूज हमने इस तरीके से बनाए हुए हैं, पूरे चैप्टर को समझने में आपकी मदद करेंगे. क्यों लिखा इन्होंने, लेंचो ने पत्र जो है भगवान को. ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास चार हैं, आप देख सकते हैं. पहला ऑप्शन है बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाई अ कार, क्योंकि वो कार खरीदना चाहते थे, क्या सही है. दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाई अ प्लॉट, वो प्लॉट खरीदना चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे, कहने का मतलब जमीन का एक टुकड़ा. नेक्स्ट देखिए, प्लॉट की दो मीनिंग होती है, एक प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, और दूसरा प्लॉट होता है क्या, जमीन के टुकड़े की बात की जाती है. थर्ड, बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, क्योंकि उसकी जो है फसल नष्ट हो गई थी लेंचो की, किसके कारण, हेलस्टोन के कारण, ओलों के कारण. डी ऑप्शन है बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी रिच, क्योंकि वह अमीर बनना चाहता था, धनी बनना चाहता था. तो इसका करेक्ट आंसर तो आप सभी को पता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू, सॉरी, बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड टू हेलस्टोन्स, क्योंकि उसकी क्रॉप जो है, उसकी फसल जो है नष्ट हो गई थी, किसके कारण, ओलों के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर विद न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्या कंपेयर किया न्यू कॉइन्स के साथ. तो ये हमें बताना है किसकी तुलना की उसने न्यू कॉइन्स के साथ, हेलस्टोन की, रेन ड्रॉप्स की, क्रॉप की, विंड की. तो लेंचो ने जो है रेन ड्रॉप्स की तुलना की थी न्यू कॉइन से. और यहाँ पे अगर बात करें जो छोटे कॉइन्स थे, बिग ड्रॉप्स थी, उनकी तुलना तो इन्होंने 10 सेंट से की. और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी, जो छोटी बूंदी थी, उनकी किससे की, उन लिटिल वंस की, इसने 5 सेंट के उससे की. यानी कि छोटे जो बारिश की बूंदी थी उनको 5 के सिक्के से बोल सकते हैं, या 5 के सेंट से तुलना की. और बड़ी जो बारिश की बूंदी थी उनकी 10 से. क्योंकि तुलना न्यू कॉइन से, क्योंकि इसकी जो क्रॉप थी, जो फसल थी, वो तैयार हो चुकी थी, यानी कि कटने के लिए तैयार हो चुकी थी उस टाइम पे. एक जो है बारिश की, हल्की बारिश की आवश्यकता थी, इसलिए लेंचो खुश होता है जब यहाँ पे रेन स्टार्ट होती है. लेंचो उस समय खुश होता है, लेकिन जैसे जैसे रेन
बाद में जो हवा चलती है, विंड चलती है, आंधी तूफान के साथ जो है रेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेल स्टोन में। और कुछ देर बाद लैंचों का जो है पूरा खेत यानी कि पूरी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद लैंचों बहुत दुखी हो जाता है और फिर उसको सताने लगता है डर कि वो और उसका परिवार कैसे जो है साल भर गुजारा करेगा, क्योंकि वो एक फार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किससे तुलना की उसने, रेन ड्रॉप से की, ये तो आपको पता ही। व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लैंचों की फीलिंग क्या थी जब जो है हेल स्टॉप हो गई, यानी कि जब ओले पड़ना बंद हो गए थे, लैंचों की फीलिंग क्या थी? खुश था, सेटिस्फाइड था, या उसका जो उसकी सोल थी वो सैडनेस से भर चुकी थी, या वो इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी जो सोल है उसकी आत्मा है यानी कि पूरी एकदम से क्या हो जाती है, फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि उदास हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है वो। उसको अब ये डर सताने लगता है कि वो और उसका परिवार कैसे जो है सरवाइव करेगा। नेक्स्ट देखिए, लैंचो रोट अ लेटर टू, लैंचो ने पत्र लिखा, किसको लिखा? फ्रेंड को लिखा, किसको लिखा? यहाँ पे ऑप्शन जो है चार हैं और करेक्ट आपको आंसर पता है, गॉड को लिखा था। Why did Lancho become angry when he counted the money? जब Lancho ने पैसे गिने, when he counted the money, जब उसने पैसे गिने तो angry क्यों हो गया, गुस्सा क्यों आया उसको, क्यों क्रोधित हो उठाओ Lancho जब उसने पैसे count किए? तो इसका correct answer जो है, अगर correct answer की ओर बढ़ें, Lancho received 30 pesos less than what he had demanded from God. तो लैंचो रिसीव 30 पैसोज लेस देन व्हाट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसने डिमांड की थी 100 पैसोज की, लैंचो ने डिमांड की थी 100 पैसोज की, बट जो पोस्टमास्टर है और उसके जो साथी हैं, जो कलीग्स हैं, वो कितने पैसोज इकट्ठा कर पाए, कलेक्ट कर पाए? 70 पैसोज। तो लैंचो को ऐसा लगता है कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो लैंचो, वो पोस्टमास्टर और उसके साथी जो हैं खा गए, वो डिसऑनेस्ट हैं वो समझता है, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था कि लैंचो और उसके साथियों ने मिलकर जो 30 पैसोज थे वो खा लिए और उसको 70 पैसोज ही दिए, क्योंकि उसने डिमांड तो 100 पैसोज की थी भगवान से। बट ये एक आयरनी है, अगर इस चैप्टर का अगर बात करें, जॉनर की इसकी बात करें, तो एक आयरनी है अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे पोस्टमास्टर और उसके साथी तो क्या करते हैं, लैंचो की मदद करना चाहते हैं। पोस्टमास्टर नहीं चाहता कि उसका जो अटूट विश्वास है लैंचो का वो भगवान पर से क्या हो, टूटे या हिले, किसी प्रकार से उसमें कोई कमी आए। इसलिए जो है पोस्टमास्टर अपने साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं और टोटल अमाउंट जो कलेक्ट करते हैं ओवरऑल वो 70 पैसोज ही वहाँ पे जुटा पाते हैं। तो उस पैसे को वो उस लिफाफे में डालकर उसमें बाहर से गॉड के साइन करके उसको लैंचो को भेज देता है। जैसे ही लैंचो उस पत्र को पाता है तो लैंचो को लगता है कि पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने जो 30 पैसोज थे वो खा लिए, इसीलिए आयरनी है। वो तो हेल्प कर रहे हैं बट यहाँ पे लैंचो उन्हीं के बारे में क्या समझ रहा है, गलत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया था। 9th है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस, तो लैंचो का घर कहाँ स्थित था, लैंचो का मकान कहाँ स्थित था? एट द टॉप ऑफ अ हिल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टॉप ऑफ अ हिल, एक चोटी के टॉप पे, शीर्ष पे, टापू पे इसका मकान था। फॉर लैंचो देयर वॉज अ सिंगल होप, लैंचो के लिए एकमात्र उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम, तो किसकी हेल्प जो है एकमात्र उम्मीद थी लैंचो के लिए? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, अदरवाइज वी कैन से हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद ही इसके लिए एकमात्र सहारा थी, यानी कि एकमात्र सहारा था। सॉरी, लैंचोज फील्ड नीडेड, जो लैंचो का फील्ड है उसको जरूरत थी, लैंचो के खेत को जरूरत थी किस चीज की? फॉर अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी पैदावार के लिए किसकी जरूरत थी? तो लैंचो के फील्ड को जो है रेन की जरूरत थी, बट जब स्टार्टिंग में रेन होती है तो खुश हो जाता है और छोटी बूंदों को कंपेयर करता है 5 रुपीज के सिक्के से, बड़े को 10 के। बाद में जैसे जैसे रेन चेंज हो जाती है हेल स्टोन में, और हेल स्टोन के कारण इसकी फसल पूरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
What does Lancho call the post office employees? Lancho क्या कहता है जो post office के employees हैं उनको Lancho किस तरीके से संबोधित करता है? Bunch of robbers, bunch of liars, bunch of fools, bunch of crook. तो वो कहता है bunch of crook कहता है किसको? Postmaster और उसके साथियों को, यानी कि dishonest. Bunch of crook का मतलब होता है dishonest, बेईमान कहता है. What did Lancho hope for? Lancho ने किस चीज़ की उम्मीद की? तो Lancho hoped for raindrops to get good harvest. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Lancho ने किस चीज़ की उम्मीद की? बारिश की, बूंदों की, यानी कि सार की. यहाँ पे सावर करके आपको मिलेगा ऑप्शन, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं. Lancho hoped for सार, यानी कि बारिश की हल्की फुहार, यानी कि बूंदाबांदी, हल्की सी जो बारिश हो उसकी फसल, ताकि जो कटने का समय था अच्छे से वो फसल जो है वो काट सके उस टाइम पे, उसको लास्ट टाइम पे आवश्यकता थी, जिससे कि अच्छी पैदावार हो सके. लेकिन अनलकीली जो है हिल स्टोन में वो बारिश चेंज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th. व्हाई वाज Lancho सेटिस्फाइड? Lancho क्यों सेटिस्फाइड था? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. ऑन सीइंग देखकर क्या, फील्ड में जो अपने राइप कॉर्न थी उसमें फ्लावर्स देख के वो खुश हो जाता है. ये स्टार्टिंग की बात है, जब शुरुआत में जब वो अपने फील्ड को देखता है तो उसमें वो देखता है कि जो राइप कॉर्न है उस पर फ्लावर्स आ गए हैं. अब कहीं ना कहीं उसको लगता है, उम्मीद जग जाती कि अच्छी पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी, तो इसलिए वो फिर किसकी वो करने लग जाता है, उम्मीद आस लगाए बैठता है रेन ड्रॉप्स की. क्वेश्चन नंबर 15th. व्हाई डिड Lancho नीड मनी? Lancho को पैसे की आवश्यकता क्यों थी? बाई ट्रैक्टर, सेव हिज फैमिली फॉर हंगर. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी फैमिली को क्या करना चाहता था, भूख से बचाना चाहता था. यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वो और उसकी फैमिली जो है पूरे साल भर भूखे रहें, क्योंकि उसकी फसल तो नष्ट हो गई थी, तो इस वजह से वो उसको पैसे की आवश्यकता थी. और हाउ मैनी पैसोज डिड ही डिमांड, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो 100 पैसोज की उसने डिमांड की थी. बट ही गॉट 70 पैसोज, लेकिन उसको 70 पैसे ही मिल पाते हैं. व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया तब? तो यहाँ पर जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब Lancho उसको पत्र लिखता है, किसको? गॉड को. Lancho ने पत्र लिखा होता है, जैसे ही पोस्ट मास्टर के हाथ में वो पत्र आता है तो पोस्ट मास्टर हंसने लग जाता है स्टार्टिंग में, कि उस पर जो है गॉड का एड्रेस लिखा होता है, गॉड को यानी कि पत्र भेजना है करके ये लिखा रहता है उसमें, जो रिसीवर्स एड्रेस जो उसमें रहता है. तो तब जाके उसको हंसी आती है, लेकिन बाद में जब वो पूरे लेटर को पढ़ता है तो उसको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं Lancho को अटूट विश्वास है, अनसेकंड फेथ है गॉड पे, तो उस फेथ को बनाए रखना चाहता है वो. तो इसलिए वो अपने साथियों से हेल्प के लिए कहता है कि हम मिलके जो है Lancho की हेल्प करेंगे, ताकि उसका विश्वास जो है भगवान पर से न टूट सके. ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू Lancho. तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा. ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, उसने डिसाइड किया कि वो कलेक्ट मनी कलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे इसको, किसको? Lancho को. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. अब यहाँ पर हु रेड द लेटर सेंड बाय Lancho. तो पत्र किसने पढ़ा, जो Lancho के द्वारा पत्र भेजा गया था वो पत्र पढ़ा था किसने? द पोस्ट मास्टर. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Who is the author of the lesson A Letter to God? A Letter to God के जो है author कौन है ये पूछा जा रहा है, तो G.L. Fuentes हैं यहाँ पे. A option correct हो जाएगा. What is the irony in this lesson? तो irony क्या है इस lesson में? Lancho was sad after hailstorm even though he was one waiting for a star. तो irony क्या है ये पूछा जा रहा है. तो आयरनी की अगर बात करें तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हम बताएंगे. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. Lancho ब्लेम्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम. तो Lancho यहाँ पे ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को,
जिन्होंने लेंचो की हेल्प की थी। वास्तव में जिन्होंने क्या की थी, लेंचो की हेल्प की थी। लेंचो उनको ही क्या करने लगता है, ब्लेम करने लगता है कि वो 30 पैसेज खा गए करके, इसलिए उनको बंच ऑफ क्रूक बोलता है। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 20th क्वेश्चन है, 120 आप इसको ना समझें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और तो 20th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्टमास्टर एम्प्लॉयज। तो पोस्टमास्टर एम्प्लॉयज के बारे में वो सोचता है, क्या सोचता है कि बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विद मनी इन इट करके। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ, टू फाइंड अ लेटर, लेटर पाकर, विद मनी इन इट, लेटर में जो है पैसे पाकर क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ। तो आंसर होगा नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज ही हैड अनशेकन फेथ इन गॉड, अदरवाइज वी कैन से ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। तो उसको क्या था, भगवान पे अटूट विश्वास था, इसलिए उसको किसी भी प्रकार को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे तो यही लग रहा था कि भगवान ने ही उसकी मदद की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। हाउ मच मनी वॉज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। तो पोस्टमास्टर जो है कितने पैसे यहाँ पे कलेक्ट करने में, अरेंज करने में, कितने पैसे का प्रबंध करने में जो है सफल हुआ, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 100 पैसे उसकी डिमांड की होती है लेंचो ने, बट पोस्टमास्टर अपने साथियों की मदद से जो है 70 पैसेज ही कलेक्ट कर पाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जितना भी अमाउंट उन्होंने कलेक्ट कर रखा है 70 पैसेज, उसको ही वो लेंचो को सेंड कर देंगे, और बाहर से लेटर के बाहर से जो है गॉड के साइन कर दिए जाते हैं ताकि लेंचो को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। Why did postmaster decide to reply Lancho's letter? तो क्यों postmaster ने decide किया कि वो Lancho के letter का जो है जवाब दे। He was a good man, अच्छा आदमी था। He felt empathetic, और उसको empathetic feel हुआ, कहने का मतलब to preserve Lancho's faith in God। तो correct answer तो हमारा C हो जाएगा, वो उसको बनाए रखना चाहता था, जो लेंचो का फेद है, जो उसका विश्वास है भगवान पे, उसको बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने उसकी मदद करने की सोची। द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल। तो इस अगर बात करें, हमने जब वर्ड मीनिंग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कै वाली जो वीडियोज हैं उसमें भी हमने बात की थी, तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। जब एमिकेबल हो जाए, एबल को आप केबल पढ़ लीजिएगा, केबल किसका काम करेगी, जोड़ने का काम करेगी, और जब लोग आपस में जुड़ेंगे कब, जब उनका नेचर कैसा होगा, फ्रेंडली होगा, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो कितने पैसे की डिमांड की, कितनी मनी की डिमांड की लेंचो ने यहाँ पर। लेंचो ने डिमांड की थी 100 पैसेज की, किससे की थी, गॉड से की थी। क्यों की थी, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी और वो कहीं ना कहीं परेशान हो गया था कि कैसे वो अपनी फैमिली का गुजारा करेगा आने वाले वर्ष में। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो की जो फैमिली थी उसकी, उनके मन में एक कौन सी उम्मीद थी या कौन सा विश्वास था, कहने का मतलब है। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मुआवजा मिलेगा उनको। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प जो है उनको मिलेगी फार्मर के एसोसिएशन से। हेल्प फ्रॉम गॉड, और देर वॉज नो होप लेफ्ट, या कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। द फील्ड, जो फील्ड था, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जो फील्ड था वो कैसा लग रहा था, मानो वो किससे कवर्ड हो, ढका हुआ हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इट वर कवर्ड इन सॉल्ट। अब ये यहाँ पे एक देख सकते हैं ग्रामर का मेथड भी है। हमने लास्ट टाइम जब अगर बात करें तो 10 स्पेशल रूल्स ग्रामर के डिस्कस किए थे, एक लगभग एक महीने के अंतराल पे ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी देखने को। तो अगर MPTET वाले हमारे साथी कोई जुड़े हैं तो वो उस प्लेलिस्ट में भी उसको हमने शामिल कर रखा है।
तो उसमें अगर बात करें जो पहला पोर्शन है, देखिए ये तो जो पहले पोर्शन में अगर बात करें, इसके बाद यहाँ पे अगर एज इफ दिख जाए, एज इफ अगर आपको सेंटेंस में दिखता है, एज इफ का मतलब होता है मानो, और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है इसके साथ जो जुड़ा होता है उसमें इट वॉज नहीं होगा, इट वर होगा। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था मानो कि वो प्रधानमंत्री हो, ही बिहेव्ड लाइक दिस एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो विराट कोहली हो, ही वॉज टॉकिंग लाइक दिस एज इफ ही वर विराट कोहली। ही वॉज नहीं बोलेंगे, ही वर, इमेजिनेशन, कहीं ना कहीं कल्पना कर रहा है, वो है तो नहीं ना, इस तरीके का दिखावा कर रहा है, शो करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वर आएगा, सिंगुलर के साथ भी यहाँ पे वर आएगा, ये आप याद रखिएगा। ही अगर आएगा तो ही के साथ वॉज ना आके वर आएगा, तो किसी का नाम आ रहा है तो भी वर आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लैंचोस फील्ड। लैंचो की फील्ड में अगर खेत में बात करें तो कौन सी क्रॉप थी, फसल थी जो नष्ट हुई थी ओलों के कारण, तो ग्रो हो रही थी कौन सी क्रॉप, तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास है उसमें करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ए ऑप्शन, कॉर्न की फसल थी, कॉर्नियर बोलते हैं, जैसे भुट्टा आपने सुना होगा। वाई डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। अब लैंचो ने कहाँ से जो है डाउनपोर आने की उम्मीद की, डाउनपोर का मतलब है बारिश से, डाउनपोर, सार, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज किए गए हैं यहाँ पे, रेन के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट से उसने अनुमान लगाया था, एक्सपेक्ट किया था कि डाउनपोर होगी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो लैंचो का जो मकान था, जो उसका घर था बोले, तो कहाँ सिचुएटेड था, वो था टॉप ऑफ अ हिल, चोटी के शीर्ष पे स्थित था। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे और रिलेटेड टू गॉड से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं और हमारी कोशिश रहेगी एनसीईआरटी के जितने भी 6th से लेकर 12th तक की जो बुक्स हैं उन पर बेस्ड हम एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करें, जो भी हमारे साथी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी टेट की, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम वीडियोज़ बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश लिटरेचर अगर बात करें तो एजेस पे बेस्ड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, लिटरेरी फॉर्म्स, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, हमारी जारी है और उसमें हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।